तो सड़ी हुई मनुस्मृति जो कचरे के डब्बे में और डस्टबिन में पड़ी है, जो सड़ गई है, उस सड़े हुए माल को निकाल के दोबारा बेचने की जरूरत नहीं है, मार्केट में नहीं चलेगा ये। वो बाबा साहेब की मूर्तियां टूटने का सबसे बड़ा जो सामने निकल करके रिजल्ट आता है वो ये है कि राम की, कृष्ण की, अन्य 33 करोड़ देवी देवताओं की चौराहे पर सब जगह मूर्तियां पड़ी हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ता, ठीक है, क्योंकि पता है कि उनमें कोई शक्ति नहीं है, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करोड़ों स्त्रियों के जीवन में चमत्कार किया, करोड़ों अछूतों के जीवन में चमत्कार किया, करोड़ों शूद्रों के जीवन में चमत्कार किया, आदिवासियों के जीवन में चमत्कार किया, यहाँ के देश के मुस्लिमों के जीवन में चमत्कार किया। डॉक्टर अंबेडकर मूर्तियों में नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर यहाँ है, डॉक्टर अंबेडकर यहाँ है, और डॉक्टर अंबेडकर जब यहाँ होंगे ना, तुम चाहे जितनी मूर्ति तोड़ देना। तुमने बुद्ध की भी मूर्तियां तोड़ी, बुद्ध की मूर्तियों पे भी तुमने चुन्नी लगाई, लाली लगाई, लिपस्टिक लगाई, सिंदूर लगाया, लेकिन आज जब उनकी लाली, लिपस्टिक और सिंदूर हटाकर देखते हैं तो बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं। तो तुम सच्चे इतिहास को मिटा नहीं सकते, दबा सकते हो, लेकिन जैसे खोदा जाएगा सामने आ जाएगा। चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों ही इस दलित समाज का इस्तेमाल करना चाहती है। एक कड़वा पॉइजन है और एक स्वीट पॉइजन है, क्योंकि इन्होंने इंडिया गठबंधन में बहन जी को नहीं बुलाया, इंडिया गठबंधन में मुस्लिमों के नेताओं को नहीं बुलाया। बहन जी किसी नेता के बारे में ऐसा बयान आज तक नहीं दी, तो बहन जी से बयान देने की तमीज सीखनी चाहिए। कहेंगे अगर वो कहेंगे गोबर अच्छा है तो आप कहेंगे गोबर अच्छा है, वो कहेंगे गाय अच्छी है तो आप कहेंगे गाय अच्छी है, वो कहेंगे धरती का सबसे अच्छा जीव और पशु गाय माता है तो आप गाय को माता कहेंगे, और अपनी अपनी माँ को जो है एक बार की रोटी भी नहीं देंगे, गाय माता को रोटी देंगे, तो वो जो चलाते हैं उनसे बच के रहिए। वोट डालने से पहले ये देखिएगा कि आपकी एजुकेशन कितनी महंगी कर दी गई, वोट डालने से पहले ये देखिएगा कि आपको नौकरियां कितनी दी गई, वोट डालने से पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके देश में आपकी बहन बेटों की आबरू पर कितनी बार हमले किए गए। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। दिल्ली में हूँ और दिल्ली में आज निर्देश निडर जी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो निडर होकर के बात करती हैं सभी से। आज उनसे दो मुद्दों पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो मुद्दा ये है कि संविधान कैसे बचेगा, और दूसरा ये 2024 में कौन आ रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बातें ये आ रही हैं कि 2024 में अगर बीजेपी आ जाती है तो संविधान को बदल देंगे। अगर संविधान बदल दिया तो हमारा वही पिछले जो आज़ादी से पहले जो हमारा हाल था वही दोबारा आ जाएगा, क्या ये सच है? देखिए, ये कौम हमेशा लड़ाकू रही है जी। ऐसा मैं मानती हूँ। इसने 5000 वर्षों से वो दंश झेला है जो जानवरों ने भी नहीं झेला, वो इन्होंने इंसान बनकर झेला है। तो अगर बीजेपी आती है तब भी, और बीजेपी नहीं आती है तब भी, ये कौम जिंदा रहना जानती है। रही बात बीजेपी को हटाने की, तो बीजेपी का जो तानाशाही शासन है ये केवल दलितों की बात नहीं है, देश का जितना भी स्वतंत्र नागरिक है, जितना भी समझदार नागरिक है, अंधभक्तों को छोड़कर सब बीजेपी को हटाना चाहते हैं जी। ठीक है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह का यहाँ पर हिटलर शाही राज किया है, यहाँ जबरदस्ती आंदोलन को खत्म करना, यहाँ पर जितने भी बलात्कारी रेपिस्ट लोग हैं उनको माला पहना करके स्वागत करना, संस्कारी ब्राह्मणों को जेलों से रिहा करना, उनको आज़ाद कर देना, और इस देश के अंदर जगह जगह सड़कों पे मारना, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक सरकार के लिए कलंक हैं, और ऐसी सरकार को हमें हटा देना चाहिए। दूसरे उनके घटिया बयान आना कि हम संविधान को बदल देंगे, जिस संविधान के तहत वो सरकार चला रहे हैं, जिस संविधान के तहत वो संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हैं, पदों पर बैठे हैं, और वहाँ से बात कर रहे हैं, वहाँ से कानून बना रहे हैं, उसी संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ये वही बात हो गई जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली को बाद में फोड़ के फेंकना चाहते हैं। यानी कि संविधान तुम्हें चाहिए तो इतना इतना जितना तुम्हारे फायदे में हो उतना संविधान नहीं चाहिए, जो यहाँ देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित और बहुजनों के फायदे में हो और महिलाओं के हित में हो, वो संविधान के उन अनुच्छेदों को खत्म कर देना चाहते हैं जो गरीबों की बात करता है, जो समस्त लोगों को न्याय की बात करता है, जिसकी जो जमीन है वो समता पर खड़ी है, समानता पर खड़ी है, बराबरी पर खड़ी है, और ये उस मनुस्मृति की बात करते हैं जो डस्टबिन में इस देश की जनता आज से 76 वर्ष पहले डस्टबिन में फेंक चुकी है, उस कूड़े में से निकाली हुई सड़ी हुई डस्टबिन में से मनुस्मृति को फिर से लोगों पर थोपना चाहते हैं। लेकिन ये पता नहीं है, अगर ये मनुस्मृति को दोबारा लागू करेंगे तो इनकी खुद की घरों की औरतें मना कर देंगी कि इस मनुस्मृति के हिसाब से हम नहीं चलते, क्योंकि इनकी खुद की बहन बेटियां आज़ाद जीवन जीती हैं, आज जींस पहनती है, जहां ये संस्कारी लोग ये कहते हैं कि साड़ी में अच्छी लगती है औरत, आज ये कहते हैं कि संस्कृत हमारी पुरानी भाषा, हमारी सभ्यता है, वो संस्कृत को कोई इनकी बेटी बहन भी नहीं बोलती, इनके घर के बच्चे भी नहीं बोलते, इंग्लिश में टॉक करते हैं, तो वो लोग खुद नहीं इनको एक्सेप्ट करेंगे, तो सड़ी हुई मनुस्मृति जो
कचरे के डब्बे में और डस्टबिन में पड़ी है जो सड़ गई है, उस सड़े हुए माल को निकाल के दोबारा बेचने की जरूरत नहीं है, मार्केट में नहीं चलेगा ये। जी मेरा एक सवाल और था कि अगर बीजेपी आ जाती है बाई चांस, क्योंकि बहुत सारे गठबंधन हो रहे हैं, गठबंधन भी अगर हार जाता है और बीजेपी आ जाती है और संविधान वो बदल देते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 76 साल पहले जो मनुस्मृति जो कूड़े में पड़ी हुई थी 76 साल से, वो दोबारा निकाल करके इसको वो करना चाहते हैं। अभी पूनम जी ने बताया कि संविधान का ऊपर का प्रश्न जो है वो तो वही रहिएगा, पर अंदर ये अपनी मनुस्मृति डाल रहे हैं, तो अगर वो हो गया तो आप क्या करोगे? हम जैसे लोग होने नहीं देंगे। संविधान कैसे बचाओगे ये बताओ। हमारे जैसे करोड़ों लोग आज देश के अंदर संविधान के लिए जान देने को और देने दोनों के लिए देंगे। जी। तो इसलिए अब इस देश के अंदर जो आतंकी बयान दे रहे हैं, इन आतंकी बयानों का सामना करने के लिए सड़कों पर हम जैसे देख रहे हैं दिल्ली की सड़कें भरी पड़ी और समय समय पर भरकर साबित करते हैं कि हम संविधान चाहते हैं, तुम्हारी सड़ी हुई मनुस्मृति नहीं चाहते, उसे कचरे के डब्बे में पड़ा रहे तो डस्टबिन का डब्बा ढक्कन लगाओ और बंद करो। आप कह रहे हैं हम लाखों करोड़ों लोग हैं संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब की मूर्ति तक तो आप बचा नहीं पाए, संविधान क्या बचा लेंगे आप? देखिए बाबा साहब की मूर्तियाँ जो टूटी जाती हैं वो बाबा साहब की मूर्तियाँ टूटने का सबसे बड़ा जो सामने निकल करके रिजल्ट आता है वो ये है कि राम की, कृष्ण की, अन्य 33 करोड़ देवी देवताओं की चौराहे पर सब जगह मूर्तियाँ पड़ी हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ता, ठीक है, क्योंकि पता है कि उनमें कोई शक्ति नहीं है, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करोड़ों स्त्रियों के जीवन में चमत्कार किया, करोड़ों अछूतों के जीवन में चमत्कार किया, करोड़ों शूद्रों के जीवन में चमत्कार किया, आदिवासियों के जीवन में चमत्कार किया, यहाँ के देश के मुस्लिमों के जीवन में चमत्कार किया। आज जब उन्हें देश से खदेड़ा जाता तो वो अपनी नागरिकता साबित करते हैं कि हम इसी देश के वासी हैं। तो इसलिए चमत्कारी व्यक्ति से तो ऐसे जो पत्थरों को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने कोई चमत्कार ही नहीं किया, तो वो ऐसे जीते जागती विचारधारा को तोड़ने का काम तो करेंगे, कम से कम फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर मूर्तियों में नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ है, डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ है, और डॉक्टर अम्बेडकर जब यहाँ होंगे ना, तुम चाहे जितनी मूर्ति तोड़ देना, तुमने बुद्ध की भी मूर्तियाँ तोड़ी, बुद्ध की मूर्तियों पे भी तुमने चुन्नी लगाई, लाली लगाई, लिपस्टिक लगाई, सिंदूर लगाया, लेकिन आज जब उनकी लाली लिपस्टिक और सिंदूर हटाकर देखते हैं तो बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती हैं। तो तुम सच्चे इतिहास को मिटा नहीं सकते, दबा सकते हो, लेकिन जैसे खोदा जाएगा सामने आ जाएगा। इतिहास की भी बात हो रही है, प्रधानमंत्री आज तक बहुजन समाज यानी दलित का कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना, क्या लगता है कि इस बार गठबंधन का कोई सपोर्ट मिले जब जा करके प्रधानमंत्री कोई दलित बने, बहन जी ना बने तो कोई और तो दलित? हाँ देखिए, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों ही इस दलित समाज का इस्तेमाल करना चाहती है, एक कड़वा पॉइजन है और एक स्वीट पॉइजन है, तो दोनों पॉइजन हमारे खिलाफ हैं, इसी से पता चलता है, क्योंकि इन्होंने इंडिया गठबंधन में बहन जी को नहीं बुलाया, इंडिया गठबंधन में मुस्लिमों के नेताओं को नहीं बुलाया, क्योंकि इन्हें पता है दलित मुस्लिम जो है ये अगर अकेला पड़ गया तो क्या है कि हम सरकार में आके फिर इनको कूटेंगे और इन्हें आपस में लड़वा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेट करेंगे, इसीलिए दलित और बहुजन के मुस्लिम और बहुजन के नेताओं को बुलाना नहीं चाहते, लेकिन इस देश के अंदर जागरूक लोग हैं, हम लोगों को जगाएंगे इनके कहने में ना। गठबंधन में बहन जी कुछ नहीं कहेंगे, या लालू प्रसाद ने तो अपना बयान दिया है कि हमने बहन जी को बुलाया नहीं। हेलो लालू प्रसाद जी सटके आ गए, ठीक है, बहन जी किसी नेता के बारे में ऐसा बयान आज तक नहीं दिया, तो बहन जी से बयान देने की तमीज सीखनी चाहिए इस देश के और नेताओं को। लालू प्रसाद जी ने भी ऐसा बयान दिया है तो ये बहुजन एकता में तोड़ने की बात नहीं है, वो उनका पागलपन का बयान है और सबका एक ये दिखाने का तरीका है कि वो अभी भी मानसिक रूप से गुलाम, वो अपनी बुद्धि का कम इस्तेमाल करते हैं और धूर्त मूर्ख जो उनको चला रहे हैं सदियों से, उन्हीं के कहने पर दलित बहन बेटियों की आबरू को और इज्जत को कमजोर आंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने ऐसी हिमाकत की है, अगर कल को इंडिया गठबंधन ने बहन जी को बुला लिया तो इनकी क्या इज्जत रह जाएगी? इंडिया गठबंधन के बाप हैं, दामरदार हैं, ये सबसे ऊपर सर्वोसर्वा है, ये इंडिया गठबंधन में क्या है ये जो ये तय करेंगे कि बहन जी आएंगी कि नहीं आएंगी? अगर इंडिया गठबंधन में बहन जी जाती है तो किन शर्तों पे प्रधानमंत्री बनेंगी? देखिए प्रधानमंत्री बहन जी बनना चाहे ये बहन जी के ऊपर है, आप और मैं ये तय नहीं करता, ठीक है, ये बहन जी तय करेगी कि वो प्रधानमंत्री की दावेदारी बनेंगी कि नहीं बनेगी, लेकिन गठबंधन करना चाहिए पार्टी को और समाज को बचाने के लिए इस समय की सबसे बड़ी जो हमारी जरूरत है वो यही है कि गठबंधन में जाना चाहिए। अगर गठबंधन में बहन जी चली जाती है और प्रधानमंत्री का नाम उनके लिए नॉमिनेट हो जाता है तो क्या जनता वोट उनको देगी?
क्योंकि उनको वोट दिल्ली में और यूपी में अभी तक नहीं मिला। अगर ऐसा होता है तो शायद वोट मिलेगा, क्योंकि जो दलित वोटर बिखरा हुआ है चमार जाटक के अलावा जो अन्य जातियां हैं, खटी गया पासी हैं और वाल्मीकि हैं, जो अन्य जातियां जो बिखरी हैं, तितर बितर हुई हैं, ये जातियां भी हो सकता है साथ में आ जाएं, क्योंकि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर दुश्मन भी तारीफ करता है और कौन नहीं चाहता बहन बेटियों की आबरू इज्जत हो और बदमाश गुंडे जो है जेलों में हैं और बहन बेटियां बाहर सड़कों पर आसानी से अपना काम कर सके, सुरक्षित रहे। 2024 के लिए युवा और युवती क्या कहना चाहिए? 2024 में युवाओं से मैं कहना चाहूंगी कि भाई देखो, आपको अपने वोट की वैल्यू समझनी है। 3-4 महीने पहले आप जो इडियट वो घरों में रखे हैं, जो टीवी रखे हैं, ये देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो वो आपको सिखाते हैं, बताते हैं, वो 40-50 लाख का पैकेज देकर के आपके दिमाग में कचरा डालते हैं। उस कचरा डालने से बचिए। जब वो कचरा अगर आपके अंदर चला गया तो फिर आप वही करेंगे जो वो चलाएगा, यानी कि आपको क्या करेंगे, चलता फिरता रोबोट बना देंगे और आप उन्हीं के जो वो कहेंगे वही कहेंगे। अगर वो कहेंगे गोबर अच्छा है तो आप कहेंगे गोबर अच्छा, वो कहेंगे गाय अच्छी है तो आप कहेंगे गाय अच्छी है, वो कहेंगे धरती का सबसे अच्छा जीव और पशु गाय माता है तो आप गाय को माता कहेंगे और अपनी अपनी माँ को जो है एक बार की रोटी भी नहीं देंगे, गाय माता को रोटी देंगे। तो वो जो चलाते हैं उनसे बच के रहिए, उनसे बच के रहेंगे तो सही डिसीजन ले पाएंगे। वोट डालने से पहले ये देखिएगा कि आपकी एजुकेशन कितनी महंगी कर दी गई, वोट डालने से पहले ये देखिएगा कि आपको नौकरियां कितनी दी गई, वोट डालने से पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके देश में आपकी बहन बेटों की आबरू पर कितनी बार हमले किए गए।